ये बता, ट्री बोलते हैं इसको, पेड़, ठीक है? जो मम्मी क्या है? ये लाइट है मम्मी। वो क्या है? वो बेटा गेहूं है। मम्मी क्या है? ये बाइक है बेटे, मोटरसाइकिल। मम्मी ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, आपको पसंद आई? मैडम मैं काफी देर से देख रहा हूँ, बच्चे को आपने कुछ नहीं सिखाया क्या? ये तो ऐसे पूछ रहा है जैसे अभी पैदा हुआ हो। सर एक्चुअली मेरा बेटा ब्लाइंड पैदा हुआ था और 20 दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ था, और ये लगाओ कि इसने तो दुनिया आज ही देखनी शुरू की है, तो आज इसलिए ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो मम्मी ये क्या है? ये गाड़ी है बेटा, जिसमें बैठ के घूमते। इसके पास मेरा फोटो खिंचवाओगे? इसके साथ फोटो खिंचवानी है आपको? ओके आओ। स्माइल करो। ओके स्माइल बेटा, वेरी गुड। मम्मी ऐसे भी। ओके मम्मी ऐसे भी। ओके अरे बड़े क्यूट लग रहे हो। नेक्स्ट। अरे ओए नीचे उतर, नीचे उतर। अरे क्या बदतमीजी है ये, कार के ऊपर कितने डेंट डाल दिए तुमने? भाई साहब बच्चा ही तो है, कोई गलती थोड़ा ना इससे। तो फिर बच्चा है तो क्या मतलब है इसका, कार के ऊपर देखना कितने इसने स्क्रैच डाल दिए, ये कौन साफ कराएगा इसे? भाई साहब बच्चा ही तो है, बच्चे ने जिद की फोटो खिंचवाएंगे तो बस फोटो ही तो खिंचवाया है, और तो कोई बात नहीं की। ये तो जरा सी बात है तुम्हारे लिए, जरा सी बात है ये, ठीक है ना? तेरे को पता है ये कितनी महंगी गाड़ी है? तेरे को तो 7 जन्मों में भी इतनी महंगी गाड़ी दिखाई नहीं देगी, और अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे फटीचरों को आते कोई भी महंगी गाड़ी दिखी और उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाना शुरू, फिर बाद में दुनिया कहते फिरेंगे ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब आप पढ़े लिखे नजर आ रहे हो लेकिन आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है, एक बच्चे के सामने उसकी माँ से कैसे बातें करनी चाहिए, और ये स्क्रैच ये तो पहले के लगे हुए हैं, क्या बैठने से ही स्क्रैच लग जाते हैं गाड़ी पे? अंकल सॉरी। अच्छा तेरे को ज्यादा नॉलेज है क्या मेरी गाड़ी के बारे में? ये तेरा बच्चा बैठा है ना, जब ये स्क्रैच लगे है ये स्क्रैच ठीक कराओ। भाई साहब मैं स्क्रैच ठीक करवा देती अगर मेरे बच्चे की वजह से इसको स्क्रैच लगे होते तो। चलो बेटा। ओ हेलो कहाँ, स्क्रैच को छोड़ो, ये मेरी गाड़ी साफ करो, साफ करो। मम्मा घर चलो ना, मुझे डर लग रहा है। भैया मैं साफ करूं? हाँ हाँ समझ नहीं आता क्या, अपनी चुन्नी के साथ गाड़ी साफ करो। निकलो अब यहां से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कुंडू सर हैं क्या? जी कुंडू सर ऑफिस में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, आइए बैठिए। थैंक यू सर। बताइए कैसे आना हुआ? सर काफ़ी टाइम पहले मैंने एक पिटीशन डाली थी लेकिन 6 महीने से वो फाइल आ गई नहीं बड़ी सर। सर प्लीज़ अवेल कर दीजिए। अच्छा तो आप बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाना चाहते हैं? जी सर, मैं 500-700 बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसके अंदर के प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल, अच्छा फर्नीचर, बहुत अच्छे एसी रूम्स और बहुत ही हाई क्वालिफाइड फैकल्टी में उसके अंदर रखना चाहता हूँ सर, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे परमिशन दें। अरे वाह बड़े नेक विचार आपके, मुझे लगता है कि आपको बच्चों से कुछ खास लगाव है। जी सर मुझे बच्चों से बेहद प्यार है, बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य है और आखिर हमारी तो जिम्मेदारी है इनका भविष्य संवारना। तो आप कोशिश कीजिए सर कि ये काम जल्दी हो जाए ताकि मैं भी अपना प्ले स्कूल बनवाने का काम जल्दी से शुरू कर सकूं। ओए तुम्हारी ये फाइल जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे तुम कितना ही जोर लगा लो मैं प्ले स्कूल को नहीं खुलने दूंगा। अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? और वैसे भी मैं ये सब बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ सर, मैं बच्चों से बेहद प्यार करता हूँ सर। क्या बोल रहा है तू, बच्चों से प्यार करता हूँ? शर्म नहीं आती तुझे मेरे सामने झूठ बोल रहा है? बच्चों से प्यार करता हूँ। सर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो दूर हुई है तेरा रिकॉर्ड देख के, जो ये तू प्ले स्कूल के चक्कर में है ना,
ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चक्कर में लगा है ना। और क्या बोल रहा था तुम, बच्चों से प्यार? अभी दिखाता हूं बच्चों से कैसे प्यार होता है। पुष्पा, कुछ याद आ गया क्या तुम्हें? अरे ओ, डूब के मर जाओ कहीं, शर्म तो तुम्हारे है नहीं। बच्चों की आड़ में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो क्या? सुबह देख ली थी तुम्हारी हरकत, जब एक बच्चा बैठ के गाड़ी पे सेल्फी खिंचवा रहा था और तुमने थप्पड़ मार के गिरा दिया उसको। बच्चों की आड़ में जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है ना तुमने, इसमें हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। एंड गेट आउट, आउट। क्या कहा मैंने, सुना तुमने? खड़ा हो, गेट आउट। सर सर प्लीज अगर कुछ थोड़ा। अच्छा, अब भी तेरी वही सोच है, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है, हैं? आउट। और सुन, तुम्हारे खिलाफ काफी कंप्लेंट है मेरे पास, जो तुम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। बेटे, जेल जाने की तैयारी कर ले। आप